हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बना रही हूँ आलू प्याज के खट्टे मीठे सैंडविच। तो इसके लिए मैंने आलू लिए हैं और इसमें मैंने प्याज को डाल लिया है। फिर मैं इसमें थोड़ा सा नमक डालूँगी, हरा धनिया डालूँगी, कटी हुई हरी मिर्च, फिर हाफ टेबल स्पून इसमें काली मिर्च डाल लीजिए, हाफ टेबल स्पून गरम मसाला और हाफ टेबल स्पून इसमें धनिया पाउडर डाल लीजिए। इन सबको फिर चम्मच की सहायता से अच्छे से मिक्स कर दीजिए। ये बच्चों के टिफ़िन के लिए बहुत ही अच्छे रहते हैं और घर पे भी गर्मा गर्म बना के खाओ तो इनमें बच्चे काफ़ी खुश रहते हैं इसे खा के, और बहुत टेस्ट आता है। तो इस तरह से मैंने यहाँ चार ब्रेडें ले ली हैं, तो मैं ये आपको सैंडविच बना के दिखाती हूँ। तो ऊपर की दो ब्रेडें लेकर इन पर मैं देसी घी या बटर, जो भी हो आपके पास वो लगाएंगे। देसी घी या बटर कुछ भी लगा लीजिए, बटर नहीं है तो घी लगा लीजिए देसी। मैंने यहाँ गाय का देसी घी लगाया है। तो इस तरह से मैंने एक साइड ब्रेड पे अच्छे से देसी घी लगा लिया है और दूसरी साइड दोनों ब्रेडों पर मैं टोमेटो केचप, ये जो खट्टा मीठा टेस्ट लाने के लिए, इसको लगाऊंगी। तो दो ब्रेडों पर मैंने टोमेटो केचप को स्प्रेड कर लिया है अच्छे से। तो इधर ये जो हमारी ब्रेड हैं जिस पर हमने बटर लगाया है या देसी घी लगाया है, तो उन पे हम फिलिंग रखेंगे। इसी फिलिंग को हम इस पे रख लेंगे 1.5 चम्मच अच्छे से भर के। ये फिलिंग लगा लेंगे दोनों ब्रेडों पर। और इसके ऊपर जो केचप वाली ब्रेड है उसको रख लेंगे, अच्छे से फिक्स कर देंगे दोनों को। और अब ये जो ब्रेड केचप जिस पे हमने लगाया था टोमेटो केचप, उस पे ऊपर से देसी घी लगा लेंगे। फिर हम इनको सैंडविच मेकर में रखेंगे और सैंडविच मेकर को ऑन कर देंगे। देखिए ब्रेड हमारी कितनी क्रिस्पी होकर तैयार हो गई हैं। तो इनको अब हम एक प्लेट में सर्व कर लेंगे। तो ये मॉर्निंग ब्रेकफास्ट ब्रेड सैंडविच ये हमारा तैयार है, खट्टा मीठा सैंडविच। आप भी इसको ट्राई कीजिए और बताइए आपको कैसा लगा। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको एक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।